हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। नाम अबरार और हसान, क्या हाल है? अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हाँ अबरार, ये तुम्हारी जो तस्वीर है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइविंग की है? राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड सीट में बैठा हूँ। अच्छा, सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। बाकी कहाँ हैं? बाकी कहाँ हैं? सर मैं अकेले ही हूँ ग्रुप में। अच्छा, अकेले हो आसान। अच्छा, जी फिर मैं तुम्हें वो बना दूँ, एक दिन का सीएम। बना के सर। हसन, यू आर नाउ होस्ट, प्लीज कंटिन्यू योर प्रेजेंटेशन। अबरार, तुम भी हमारे साथ ही रहो। नहीं सर, मेरी तो हो गई थी, नहीं, मैंने कहा लेकिन मैं साथ। सुन रहा हूँ। हाँ, ज्वाइन द सेशन। जी, सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी सर? अभी तक नहीं हुई। नहीं सर अब हुई? नहीं हसन, हुई सर, नहीं बेटा, नहीं हो रही। नहीं हो रही। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ज्वाइन हो जाओ। हाँ, भाई हो गई शो ही सर। हो गई हो गई। अच्छा, ईमेल। सर मेरी प्रेजेंटेशन है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल। सर शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसकी जो सर ये इफेक्टिव ईमेल जो होती है सर, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि हम कैसे, किस लहजे में, किस टोन में हम अपने सीनियर से, हम अपने जो जिनके साथ काम करते हैं उनसे हम बात कैसे करें एक बहुत इफेक्टिव तरीके से, एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से। तो ये उसका तरीका है इफेक्टिव ईमेल। सर जैसे यहाँ पे मेरे 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है डोंट ओवर कम्युनिकेट बाय ईमेल्स। सर इसका मतलब हुआ कि फजूल बात नहीं की जाए, जो आपकी बात हो रही है वही बात हो और उसके अलावा कोई अननेसेसरी बात ना हो। और सर दूसरा पॉइंट है मेक गुड यूज ऑफ सब्जेक्ट लाइंस। सर सब्जेक्ट लाइंस जो होती है वो एक ऊपर एक दी जाती है ईमेल के, कि आपकी ईमेल है किस बारे में। ठीक है सर, तो उसमें ये होता है कि आप अपने ईमेल्स के बारे में आप बता सको कि आपकी ईमेल्स किस बारे में है। सर इसका तीसरा पॉइंट है कीप मैसेजेस क्लियर एंड ब्रीफ। सर इसमें अपनी ईमेल्स को बहुत प्रोफेशनल, सही लहजे में और बहुत मुनासिब अल्फाजों में और तरीके से लिखा जाए। और जैसे अपना ये पॉइंट है दूसरा इसका, बी पोलाइट और चेक योर टोन। तो सर ये अपना, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि अपने बहुत सही लहजे में बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई फजूल बात ना हो। और प्रूफ मतलब कि आप अपनी ईमेल एक बार फिर पढ़ लें कि आपको सही लग रही है ईमेल, फिर आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं।
सर इसका एक की पॉइंट कुछ मैंने इंटरनेट से निकाले थे की पॉइंट्स इसके कि मोस्ट ऑफ अस मतलब कि ज्यादातर जो लोग होते हैं सर वो ईमेल्स जो लोग होते हैं वो ईमेल्स भेजने में ईमेल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो वो ईमेल बहुत कंसाइज और बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत ही सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए कैसा बंदा बात करना है और क्या बात करनी है। ईमेल्स के सर 5 रूल्स हैं, एटिक्वेट रूल्स जिनको कहते हैं सर। सर पहला रूल है ऑलवेज इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड यूज द रिसिपिएंट्स नेम इन द गैदरिंग। सर आवाज आ रही है? हेलो, हेलो आवाज आ रही है? हेलो जी सर आपको आ रही है? हाँ आ रही है। सर तो इसका है कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं वो किस लिए भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें पहले आप सब्जेक्ट नेम जो हो वो बहुत आसान सा हो और समझ आने वाला हो, फौरन ही समझ आ जाए। जैसे आपको सीवी भेजनी है, आपने पता नहीं क्या इतना बड़ा अपनी सीवी सब्जेक्ट में लिख दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर लिखनी चाहिए अपना नाम, बस ये मेरी सीवी है और बस ये डेट है या तारीख है। सब्जेक्ट्स को ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा हसन, हसन मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना ये जैसे रूल नंबर 1 लिखा है, रूल नंबर 1 लिखा है ऑलवेज इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड यूज द रेसिपिएंट नेम। अब जैसे आई ऊपर लिखा हुआ है, एन नीचे आया हुआ है, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो इन चीजों का क्या लग रहा है? हाँ इन द इन इन है तो फिर एक ही जुमला आएगा और आई बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे आई एम वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, लेकिन ये जान के नहीं की होगी तुमने, डेलिबरेटली नहीं की होगी, ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है इंसान से। लेकिन एक दफा आपने जब बनाओ तो उसको रिव्यू कर लिया करो, ठीक है, ओके गुड, आगे। सॉरी सर, सर ये दूसरा रूल है सर, कैपिटल्स, ऑल कैपिटल्स, डोंट राइट इन ऑल कैपिटल्स। इसका मतलब सर ये है कि जो आप अपना मैसेज लिख रहे हैं वो हर चीज कैपिटल में ना लिखें, क्योंकि कैपिटल जो एक सेंटेंस लिखते हैं ना बंदा तो उसको बहुत रूट समझा जाता है कि आप चीख रहे हैं, आपका लहजा सही नहीं है और बात बिल्कुल सही नहीं हो रही है, तो आपका मैसेज सही कन्वे नहीं हो पाता है। तो इसको इस वजह से कहा जाता है कि आप ऑल कैपिटल्स में ना लिखें। कैपिटल्स शुरू के सेंटेंस के शुरू में या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको कैपिटल या बोल्ड लिख दिया, बस उससे ज्यादा अननेसेसरी है। तीसरा रूल है डोंट यूज ईमेल्स टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सर मतलब के आपके जाती मामलात या आपकी जाती जो आपके बहुत डिटेल्ड बात हो या जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है बाद में, तो सर इसको कहा जाता है कि इसको ना भेजें। ये एक तो पहले एथिकल नहीं है और इससे बाद में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो ईमेल जो फॉरवर्ड होती है वो एक प्रूफ के तौर पे उस बंदे के पास भी चली जाती है। तो आप समझ लें कि ईमेल जो है वो टू वे कन्वर्सेशन है, उसके पास भी वही कन्वर्सेशन, आपके पास भी, आपने अपने पास से डिलीट कर दी लेकिन उसके पास से डिलीट नहीं हो पाएगी। अच्छा मैं इसको बहुत आसान मैं एक चीज पूछूंगा, अबरार आप भी ऑनलाइन है कि ये आप सी एस के प्योर हैं तो आपको ज्यादा पता होगा कि हम जो ये जीमेल वगैरह या हॉटमेल यूज करते हैं या याहू यूज करते हैं तो जितनी भी हम ईमेल्स कर रहे होते हैं इसमें हमारा डाटा भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो क्या ये गूगल वालों के पास सेफ होंगी? जी सर पीछे ये क्लाउड में सेव हो रही है। बिल्कुल सेव्ड होती हैं सर ये तो क्लाउड। अच्छा मतलब हमारा तो फिर कुछ छुपा हुआ तो नहीं है? बीच में इसके ऊपर स्कैंडल्स भी तो आए थे जब व्हाट्सएप और अपना जीमेल फेसबुक पे आया था स्कैंडल के इसने कुछ डाटा वगैरह चुराया है, पता नहीं कुछ किया है, वो तो हमारे तो मतलब कॉन्फिडेंशियल तो कुछ भी नहीं है, हम जो भी इंटरनेट पे काम कर रहे हैं सर जो चीज इंटरनेट पे चलेगी सर वो आपकी नहीं होती ना सर, हम डिलीट भी कर सकते हैं सर, डिलीट कर देना कुछ भी कर दे कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता सब, यानी वीडियो सब कुछ ईमेल्स हमारा डाटा वो इंटरनेट पे एक बार चली जाती है सर तो वो इंटरनेट पे ही रहती है। अच्छा सही सही, चाहे शिफ्ट डिलीट ही कर दें मतलब परमानेंट डिलीट कर दें तब भी वो पड़ा रहता है, वो वही वो रहती है सर। अच्छा चलो आगे। और एक और चीज सर, ये शुरू में जो यूजर एग्रीमेंट आ रहा होता है जिसमें वो बहुत बड़े से उन्होंने
हम पढ़ते अल्फाजों में लिखा हुआ, हम पढ़ते ही नहीं, हम आई एग्री पे जल्दी जल्दी क्लिक लगा आई देते एग्री हैं। पे टिक करते हैं और आगे चले जाते हैं। हालांकि उस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम पढ़ें उसमें एक तो एक शायद एग्री ना करें। जी सर, वो एग्री भी ना करें। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे आपने कहा ना डोंट यूज, ये मैंने शायद पढ़ाया भी था उसके अंदर अपनी वीडियोस के अंदर, तो डोंट यूज ईमेल टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब जो बहुत सेंसिटिव हसास हमारे इदारे होते होंगे, अगर उन्हें कोई चीज भी भेजनी होती होगी आगे, तो वो फिर ये ईमेल एड्रेस का सहारा नहीं लेते होंगे, जैसे आर्मी है या किसी भी, नहीं मैं सर, उनके पाकिस्तान तो की वो बात नहीं कर कोडर होते रहा। हैं, टेलीग्राम होते हैं हाँ सर, वो तो उनके है। तो अलग अलग तरीके होते हैं सर, वो इनक्रिप्टेड होते हैं, डिक्रिप्टेड होते हैं, तो अच्छा सर उनके साथ वो कोड तो मुश्किल होते डिफरेंट हैं होते हैं, वो काम। उनके कोड्स होते हैं। बिल्कुल जी सर, ठीक है, ठीक, ओके आगे। सर आगे बढ़ो। जी बिल्कुल स्टार्ट करें आगे। सर ये है अपना रूल 4, ठीक है सर। इसमें कहा है टेक केयर विद योर एब्रिविएशन एंड इमोटिकॉन्स। सर सर वो जो अपने क्या नाम है सर, जो स्लैंग जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल एक हम आम बात में कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लॉल, IDK मतलब कि लाफ आउट लाउड, आई डोंट केयर, और ये फलाना ढिमकाना जो सारी बातें होती हैं सर, ये एक प्रोफेशनल ईमेल में आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी बड़े से अपने अपने ओहदे से बड़े या किसी उस्ताद से आप ऐसे बात कर रहे हो, तो आप ये वाली एब्रिविएशन इस्तेमाल नहीं करते। और इमोजीज होती हैं सर, जिसमें वो हंसने का जो आता है, रोने वाले जो होते हैं सर, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी बिल्कुल अनएथिकल है। और सर इसका रूल 5, आखिरी रूल 5 है, थिंक बिफोर यू सेंड। सर थिंक बिफोर यू सेंड मतलब आपने ईमेल लिख ली और फिर आपने ईमेल एक बार पढ़ी, आपको लग रहा है कि ये ईमेल इस प्रोफेशनल बंदे को भेजी जा सकती है, नहीं भेजी जा सकती, पहले आप अपनी ईमेल को पढ़ें, प्रॉपर तरीके से समझें कि ये सही है या नहीं है। तो इसमें यह है कि सर पहले सोचना चाहिए इंसान को और फिर भेजना चाहिए। जैसे सर इसमें लिखा है, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ इफ यू शुड बी यूजिंग ईमेल एट ऑल, कि कभी हमें कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, ईमेल सही रास्ता है नहीं है, हम कॉल करके बात कर लें, ईमेल सोचनी चाहिए। तो सर बस ये सारी इसके पॉइंट्स हैं। और सर एक एग्जांपल है यहाँ पे आगे, ऑफ अ गुड ईमेल और एक बैड ईमेल, कि उन्हीं ने बात कैसे करी है, एक प्रोफेशनल तरीके से बात दिखाई गई है और एक बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से बात दिखाई है। अननेसेसरी और अनरिलेटेड ईमेल्स जो आपके से बिल्कुल रिलेट नहीं करती, जो आपकी आपके प्रोफेशन में कोई वैल्यू या कुछ डिटेल्स या कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी, वो करना भी नहीं चाहिए सर। थैंक यू सर। ठीक है, गुड। क्या इसमें ईमेल्स आप लोग तो खास तौर पे सीएस वाले तो सारा गेम ही आजकल ईमेल्स का है। हमारी जी जो सर, हमदर्द यूनिवर्सिटी है उसके भी एक ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है वेब मेल के नाम से, तो वो हम भी वही यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन। मैंने डीन साहब से रब्ता करना है या VC साहब से रब्ता करना है, रजिस्ट्रार साहब से रब्ता करना है, या अपने नीचे वालों को कम्युनिकेट करना है, मेरे जो ऑफिस के बंदे हैं, तो हम नॉर्मली एक ईमेल करते हैं और ईमेल को एज ऑफिशियल रिमाइंडर भी रहता है कि भाई मैंने आपको ईमेल की थी। तो ईमेल का बहुत बड़ा रोल है किसी भी ऑफिस जॉब के अंदर। आजकल तो ईमेल बहुत ज़रूरी हो गई है। तो जी ठीक है, सर, थैंक प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी थी और यू। बहुत सारी बातें इंफॉर्मेशन थी। ठीक है फिर, ये आप तो अकेले ही थे और जी सर, बाकी और कोई क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करने वाला मैं ही हूँ। सर पूछ लें मैं क्वेश्चन सर। बस क्या क्वेश्चन पूछूं, ठीक है तकरीबन हो ही गई आपकी ठीक प्रेजेंटेशन। आप जो है मुझे होस्ट बना दें। ठीक है सर, एक सेकंड सर। अच्छा हसन, जी सर, ये ईमेल जो है ना मुझे आप फॉरवर्ड भी कर दें ताकि मैं उसको जो है ना ये LMS पे अपलोड भी कर दूंगा। क्या सर आप अपना ईमेल आईडी एक बार शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप मुझे पे। उसको व्हाट्सएप पे भेज दो, ग्रुप पे भेज दो। चल ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज ठीक है, देता हूँ। ठीक है सर, इसको आपको होस्ट कैसे बनाना।
सर आपको होस्ट कैसे बनना है? होस्ट आप जाओ दोबारा के आगे मोर लिखा हुआ है, नहीं हुआ? सर इसको कैसे बनाना है? इसमें ना आप अपने नाम के आगे जाओगे, उधर लिखा होगा, एक लिखा होगा म्यूट और उसके आगे लिखा होगा मोर, ब्लू कलर के अंदर मोर पे क्लिक करोगे तो उधर लिखा होगा मेक होस्ट। एक मिनट सर, अपने नाम के आगे अपना जो नाम आ रहा है ना आपका, उस पे जब यू रखोगे ना तो म्यूट लिखा होगा और मोर लिखा होगा। आप मोर पे जाओगे क्लिक करोगे तो वहां हो जाएगा मेक होस्ट। सर मैं एंड कर दूं ये सेशन क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो एंड कर दो, एंड कर, चलो सॉरी सर। सर दोबारा स्टार्ट करेंगे? नहीं यार, बस मैंने नमाज की तैयारी करूंगा और आजकल मेरे ख्याल में आज स्टूडेंट्स भी कोई अवेलेबल नहीं है तो कल रख लेंगे डिटेल में। जरा सब सबको ना मैसेज कर देना। चलो सर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।